स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओमसाई कुकिंग क्लासेस। और मेरा नाम सीमा लोहरे पाटिल है। आज मैं आपको जो कपकेक की रेसिपी दिखा रही हूँ, उसमें आपको कुछ भी नहीं लगेगा। जो आपके घर में सामान है, उसी से आप कपकेक बना सकते हो। आज जो मैं आपको कपकेक दिखा रही हूँ, उसका नाम है टूटी फ्रूटी कपकेक। सो आपको क्या क्या लगेगा मैं वो दिखाती हूँ। आपको मैदा लगेगा 1/2 कप, चीनी लगेगी 1/4 कप, दही लगेगा 1.5 tbsp, देन कुछ टूटी फ्रूटी लगेंगे आपको, तेल लगेगा 2 tablespoons प्लस 1 tsp, बेकिंग पाउडर 1/2 tsp, बेकिंग सोडा 1/4 tsp, विनेगर 1/2 tablespoon और आपको दूध लगेगा 1/4 कप। ओके, वेलकम टू ओमसाई कुकिंग क्लासेस एंड दिस इज सीमा गवारी पाटिल। आज मैं आपको जो रेसिपी दिखा रही है, उसका नाम है एगलेस टूटी फ्रूटी कपकेक। ये कपकेक इतना सिंपल है कि आपको सिर्फ 2-3 चीजें लगती है जो आपके घर में ऑलरेडी अवेलेबल है, आपको कहीं भी जाना नहीं है। जैसे ही मैं ये रेसिपी खत्म करूंगी, मुझे श्योर शॉट गारंटी है कि आप इमिडिएटली कपकेक ट्राई करेंगे। सो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या लिया है। मैदा लिया है 1/2 कप, चीनी ली है 1/4 कप, ये पाउडर चीनी है। उसके बाद दही लिया है 1.5 tbsp, टूटी फ्रूटी ली है, देन लिया है तेल 2 tablespoons प्लस 1 tsp, मतलब 2 tablespoons से थोड़ा सा ऊपर तेल लेना है। बेकिंग पाउडर लगेगा 1/2 tsp, बेकिंग सोडा 1/4 tsp, उसके बाद आपको लगेगा विनेगर 1/2 tablespoon, दूध लगेगा 1/4 कप, देन 2 essences लगेंगे इसमें, पाइनएप्पल इसेंस एंड वनीला इसेंस। और कलर आपको जो चाहिए, येलो चाहिए, ऑरेंज चाहिए, जो कलर चाहिए आप वो डाल सकते हो। ओके, तो अभी हम लोग शुरुआत करते हैं रेसिपी के साथ। सबसे पहले आपको क्या करना है, तेल लेना है। एकदम सिंपल है, 2-3 स्टेप में ये रेसिपी फिनिश हो जाती है। तेल लिया, इसमें मैंने डाला पाउडर चीनी। ओके, पाउडर चीनी डाला, इसको आपको करना है मिक्स। इसमें जाएगा दही। ये सारी चीजें सिर्फ याद रखना, आपको रूम टेम्परेचर पे चाहिए, कोई भी चीज ठंडी नहीं चाहिए। ओके, इनको अच्छे से मिक्स कर लो। ओके, इसको अच्छे से मिक्स किया, आपको दिख रहा है ये क्रीमी टेक्सचर। सो आप क्या करो, अदरवाइज विस्क ले लो, विस्क से अच्छे से इसको 1 से 2 मिनट फेंट लो। इसके बाद इसमें आपको डालना है इसेंस। इसेंस आप एकदम थोड़ा डालोगे, 1/8 tsp थोड़ा सा आप डालोगे वनीला इसेंस एंड 1/8 tsp आप डालोगे पाइनएप्पल इसेंस। सो मैंने थोड़ा सा डाला पाइनएप्पल इसेंस, उसके बाद 1/8 tsp मैंने डाला वनीला इसेंस, देन 1/2 tablespoon मैं डाल रही हूँ विनेगर। अभी 1/2 tablespoon मैं डाल रही हूँ विनेगर। ओके, अगेन हम लोग ये सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ओके, ये हो गया लिक्विड इंग्रेडिएंट। अभी मैं ड्राई इंग्रेडिएंट ले रही हूँ। ड्राई इंग्रेडिएंट में हम लोग क्या करेंगे, मैदा लेंगे। इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 tsp, 1/2 tsp इसमें डाल रही हूँ मैं बेकिंग पाउडर। ओके, और इसमें जाएगा 1/4 tsp बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो खाने वाला सोडा रहता है वो है। और आप क्या करोगे, इसको मिक्स कर लो, छान लो अच्छे से। देन हम लोग क्या करेंगे, ड्राई इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जो हम लोगों ने वेट इंग्रेडिएंट्स लिए, इसमें हम लोग ये डाल देंगे। ओके, इसी वक्त आपको जो कलर चाहिए, आपको ऑरेंज चाहिए, रेड चाहिए, येलो चाहिए, वो कलर डाल दो। मैं थोड़ा सा येलो कलर डाला और इन सारी चीजों को आपको करना है मिक्स, राइट। अभी आपको ये बैटर एकदम थिक दिख रहा है। इसमें जाएगा 1/4 कप दूध। थोड़ा थोड़ा करके डालना है, क्योंकि जब हम लोग कप वाइज लेते हैं तो कभी कभी हम लोग मैदा कम ज्यादा कर लेते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके दूध डालो। ओके, इसको मैंने अच्छे से मिक्स किया। इसमें आपको ऐड करना है टूटी फ्रूटी। अभी ये अच्छे से मिक्स हो गया।
बैटर मिक्स हो गया है, इसको अभी हम कपकेक्स में डाल देंगे। सो इसमें नियर अबाउट 4 कपकेक हो जाते हैं, तो मैं ये कपकेक में डाल रही हूँ। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, कपकेक के ऊपर भी थोड़े से टूटी फ्रूटी डाल देंगे और इसको हम बेक करेंगे 180 डिग्री पे। 15 से 18 मिनट के बीच में ये कपकेक हो जाता है। सो अभी मैं इसको बेक करने के लिए रख रही हूँ कन्वेक्शन मोड पे, माइक्रोवेव वाले OTG लोअर एंड अपर दोनों कॉइल ऑन रखेंगे। इसको मैं बेक कर रही हूँ। कहीं भी क्रैक नहीं है, ऊपर से फ्लैट है और मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ। So, अभी ये मैंने इसको निकाल लिया है, इसको अगर मैं कट करके दिखाऊंगी आपको, ये देखिए कितने स्पंजी है। ओके ओके, सो आपको ये रेसिपी कैसी लगी ट्राई कीजिए और मुझे बताइए। और अगर आपके कोई ख्वाहिश होगी कि आपको दूसरी कोई रेसिपी सीखनी है तो प्लीज इनबॉक्स कीजिए। बाय।